हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई एम योर हिंदी टीचर किरण मिश्रा। जैसा कि हम लेसन नंबर 6 भरत पढ़ रहे हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया जा चुका है, यह कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का एक अंश है। इसमें हम पात्रों के नाम जान चुके हैं, जिनमें बालक भरत है, राजा दुष्यंत हैं, पहले तपस्विनी है और दूसरी तपस्विनी है। इस नाटक के प्रथम दृश्य में कुछ घटनाएं घटती हैं, जिसमें बालक भरत सिंह के बच्चे को पकड़कर घसीटते हुए लाता है और दोनों तपस्विनी उसको रोकती हैं ऐसा करने से। और ये सारी चीज़ें राजा दुष्यंत पेड़ की आड़ में खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब पहली तपस्विनी सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है तो बालक मानता नहीं है, और दूसरी तपस्विनी कहती है कि जब तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो सिंहनी तुम्हारे ऊपर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराता है लेकिन छोड़ता नहीं है। ये सब बातें और ये सब दृश्य दुष्यंत पेड़ की आड़ में खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब आइए बच्चों, जानते हैं आगे इस नाटक में क्या हुआ। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी जब देखती है कि भरत सिंह शावक शेर के बच्चे को छोड़ नहीं रहा है तो कहती है, हे प्यारे बालक, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले में खेलने के लिए खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, बालक भरत क्या करता है, अपने हाथ को पसारता है, हाथ को फैलाता है और कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है, पहले मुझे खिलौना दे दीजिए, लाइए कहाँ है मेरा खिलौना। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से आहा। दुष्यंत बालक की हथेली को छुप के दूर से ही देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, आहा अह कितना अच्छा है, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, इसके हाथ में, इस बच्चे के हाथ में राजाओं के जो लक्षण होते हैं, चक्रवर्ती राजाओं के लक्षण, वो दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, इस बच्चे की जो उंगलियां बनी हुई है उसकी बनावट, वो भी चक्रवर्ती राजाओं के लक्षण से युक्त हैं। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। प्रातःकाल का कमल कितना सुंदर लगता है, जिस तरह कमल प्रातःकाल सुंदर लगकर अपनी शोभा बढ़ाता है, उसी तरह इसकी हथेली प्रातःकाल के कमल को भी लज्जित कर रही है, यानी कमल भी शर्मा जा रहा है, इस बालक की हथेली इतनी सुंदर है। ये सब बातें राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं और उसी पेड़ की आड़ से देखकर छुपकर ये सारी घटनाएं देख रहे हैं। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, ये बातों से ना मानेगा, कहती है, हे सखी सुव्रता, सुव्रता पहली तपस्विनी का नाम है, वो कहती है, ये बातों से ना मानेगा, हे सखी सुव्रता, ये बातों से मानने वाला नहीं है, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। ये ऐसे नहीं मानेगा, सिंह के बच्चे को छोड़ने वाला नहीं है, जाओ कुटिया में ऋषि कुमार, ये जो बालक भरत हैं उनको खेलने के लिए मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ, तो शायद छोड़ दे इस बच्चे को। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है, कहती है, मैं जाती हूँ और उसको अभी लेकर आती हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। बालक कहता है, भरत,
कोई बात नहीं, आप लेकर आओ, लेकिन जब तक आप लेकर आएंगे उस खिलौने को, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक भरत वीर भी है और चालाक भी। ये कहता है जब तक आप खिलौना नहीं देंगी तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, और ये कहता हुआ बहुत ही चालाकी से हंसता है। दुष्यंत आप ही आप। फिर से दुष्यंत अपने मन में इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, आह भरकर इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, बहुत, जबकि ये मेरा बच्चा भी नहीं है, मेरा पुत्र भी नहीं है, ना जाने क्यों मेरा मन इस बालक के साथ खूब खेलने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है ये मेरा ही पुत्र हो। आह भरकर लंबी सांस भरते हैं और कहते हैं, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं। दुष्यंत लंबी सांस भरते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, उनको धन्य है उनका सौभाग्य जो उनको ये सौभाग्य मिलता है कि अपने पुत्र को, ऐसे वीर पुत्र को अपनी गोदी में उठाएं और उनको लाड प्यार करें और अपनी गोद पुत्र के अंगों में लगी धूल से मैली करते हैं। ऐसे पुत्र बड़े सौभाग्यवानों को मिलते हैं। जब लाड प्यार करते हैं तब वो पुत्र अकारण ही हंसने लगते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। कहते हैं, जब माँ बाप ऐसे वीर पुत्रों को, ऐसे सुंदर पुत्रों को अपनी गोद में भरकर लाड प्यार करते हैं तो बच्चे अकारण बिना किसी वजह के अपनी प्यारी हंसी दिखाने लगते हैं, जिसमें उनके उज्जवल दांतों की शोभा दिखने लगती है, उनके प्यारे प्यारे सफ़ेद श्वेत दांत दिखाई देने लगते हैं और तुतले वचन बोलने लगते हैं। तो ये शोभा बड़े भाग्यवानों को मिलती है। दुष्यंत ये सारी बातें अपने मन ही मन सोचते हैं और ऐसे मनुष्यों को धन्य मानते हैं जिनको ऐसा वीर सुंदर पुत्र मिला होता है, जिनको खिलाने की, लाड प्यार करने की शोभा उनको मिलती है, देखने को मिलती है, तो ऐसे मनुष्य को वो धन्य कहते हैं।